नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइडल मनी इन सेविंग्स बैंक अकाउंट के बारे में कि जो आइडल मनी हमारे सेविंग्स बैंक अकाउंट में है उससे हमारा क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो हमें सबको पता है कि पैसों को सेव करना एक अच्छी आदत है और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हम पैसों को सेव करें, और वैसा ही हम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात यह है कि हमें इन्फ्लेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन क्या है और कैसे वो हमारे पैसों को नुकसान पहुंचा रहा है और उससे कैसे हम अपने पैसों को प्रोटेक्ट करें। इन्फ्लेशन क्या है दोस्तों? इन्फ्लेशन वो दैत्य, वो दानव है जो हमारे पैसों की वैल्यू को समय के साथ कम कर देता है। यानी 1988 में जितना सामान हम खरीद सकते थे 20 रुपये से, वो अब 2013 में हम नहीं खरीद सकते, उससे कई गुना कम सामान हम उससे खरीद पाते हैं दोस्तों। इन्फ्लेशन का मेजर कारण है रुपए की वैल्यू कम होना, समय के साथ महंगाई का बढ़ना। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन महंगाई दर है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स भी डाउन होते हैं दोस्तों, समय के साथ वो गिरते जाते हैं और उससे भी हमें काफ़ी नुकसान होता है। हम फायदा करते हैं या नुकसान सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रख के, आइए देखते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज 4% है दोस्तों, और इन्फ्लेशन है 7%। इंडिया का महंगाई दर एवरेज 7% है। फॉर एग्जाम्पल से हम 1 जनवरी को बैंक में 100 रुपये रखते हैं और हमें इंटरेस्ट 4% मिलता है, और टोटल हमारी अर्निंग्स हमारे हिसाब से 104 है, मतलब हमारी टोटल वैल्यू 104 है। इन्फ्लेशन 7% होने की वजह से हम 7 रुपये इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि जो 100 रुपये में सामान मिल रहा था वो अब 100 में नहीं मिलेगा। वो 7 रुपये कम हमारी वैल्यू हो गई है, तो मतलब वो 107 में मिलेगा। तो इसका मतलब हमने अब 3 रुपये लगभग गंवा दिए हैं दोस्तों। हमारी एक्चुअल अर्निंग 97 कैसे हो गई? क्योंकि 100 रुपये का सामान हमें 107 में मिलेगा और टोटल वैल्यू हमारी 104 बन रही है, तो 3 रुपये का हमें लॉस ही है दोस्तों। अब बात करते हैं हुआ क्या है कि हमने एक्चुअली पैसों को नुकसान ही पहुंचाया है। तो हम कितने पैसे बैंक अकाउंट में रखें और बैंक अकाउंट में रखना कितना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन रेज होता है। थंब रूल ये कहता है फ्रेंड्स कि हमें 6 मंथ्स की सैलरी बैंक में रखना इज ओके, एमरजेंसी फंड्स और डे टू डे एक्सपेंस के लिए, कि हमें जो भी ज़रूरत पड़े हम उसके लिए, एमरजेंसी फंड्स के लिए 6 मंथ्स की सैलरी हमारे लिए ठीक है दोस्तों। और इन्फ्लेशन को बीट कैसे करें? इन्फ्लेशन को बीट करने का एक ही उपाय दोस्तों, वो है इन्वेस्टमेंट्स। वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे, और जितनी जल्दी किया जाए वो उतना बेटर है दोस्तों, ताकि हम अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकें और उसे ग्रो होने का समय दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।